पहुंचे हैं। हमारा यहां पर आने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो NRC का कानून लागू किया गया है, जहां तक मेरा ख्याल और मेरा नज़रिया है, जहां पर पूरे देश के अंदर इस कानून को नाफिज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हुकूमत कहती है कि हम हिंदुस्तान से घुसपैठियों को निकालना चाहते हैं। Myra Fashions, an exclusive range of designer collection, Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. तो हमारी समझ ये कहती है कि जिस जगह पे आपको शंका हो, जिस जगह पे आपको शक शुबा हो, जिस इलाके के आपको अंदर सुकून को शुबा दो, तो उस इलाके का आप NRC कीजिए, ताकि जो भी उग्रवादी हैं, जो भी आपके शक के दायरे में आते हैं, उनको बाहर कीजिए। पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये कानून नाफिज करना, मैं समझता हूँ कि हर हिंदुस्तान के अकल से ये बहुत बाला दूर है। फिर CAA के कानून को लागू करके हिंदुस्तान के उन बासिंदों को जिन्होंने आज़ादी से पहले अपने आप को हिंदुस्तानी साबित किया है, उस वक्त से लेकर के अब तक हिंदुस्तान के नुमाइंदे हैं और नुमाइंदे रहेंगे, अब उनको ये हुकूमत लैंड के अंदर लगा करके उनसे ये कागजात मांग रही है, जहां पर हमारा नज़रिया कहता है गोया ये सारे के सारे बिल्कुल फालतू हैं, और हुकूमत आगे काम ना करके ऐसे कामों के अंदर उलझा करके गोया पब्लिक को परेशान कर रही है। अगर मैं ये बड़े दुख के साथ मैं आप लोगों से के जरिए कहना चाहता हूँ कि अगर हमारा हिंदुस्तानी मीडिया, एक नज़र आप अपने ऊपर डालें कि हिंदुस्तान की मीडिया की क्या औकात थी और क्या अहमियत थी, मौजूदा ज़माने के अंदर अगर हिंदुस्तान की मीडिया की किसी छोटे से बच्चे के मुंह पर भी अगर कोई बात है, तो ये कहता है कि हिंदुस्तान का मीडिया बिक चुका है। अगर हिंदुस्तान का मीडिया, मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जो कारनामे हो रहे हैं उनको इंसाफ के साथ में और सच्चाई के साथ में बयान करेंगे, तो दावे के साथ में मैं कह रहा हूँ, छोटे मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि इंशाल्लाह इन हुक्मरानों को हिंदुस्तान के अंदर मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। तो हम इस कानून के विरोध के अंदर यहाँ पर जमा हुए हैं, और जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा, इंशाल्लाह हम एकजुट होकर के इसी तरीके से विरोध करते रहेंगे और इस कानून की खिलाफ वर्जी करते रहेंगे। हमारा ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम आप लोगों से विनती कर रहे हैं कि इस कानून को वापस पहुंचाने के लिए हमारी अजमेर की हुकूमत हमारे सूबे की हुकूमत तक आवाज़ पहुंचाएगी, और हमारी सूबे की हुकूमत इंशाल्लाह केंद्र की हुकूमत तक ये आवाज़ पहुंचाएगी। सीढ़ी बा सीढ़ी इंशाल्लाह चलते रहेंगे। मैं खानपुरा जामा मस्जिद से अब्दुल खालिक इमाम। देखिए, CAA जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। धारा जो अपनी संविधान की जो अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करता है साफ साफ, और ये पहली बार हुआ है कि देश में धर्म के आधार पर किसी को सिटीजनशिप दी जाएगी, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। और NPR और NRC जो है ये गरीब लोगों पे चोट होगी, जब भी आएगा, सरकार का कहना है कि 1 अप्रैल से चालू करेंगे, ये जब भी आएगा उन लोगों के लिए दिक्कत होगी जिनके पास पूरे कागजात नहीं है, वो अपनी नागरिकता प्रूव नहीं कर पाएंगे, और जो लोग बाग जो भी नागरिकता नहीं प्रूव कर पाएगा वो डी वोटर लिस्ट में जाएगा, यानी कि उससे उसके वोटिंग अधिकार को लिया जा सकता है वापस। NRC, CAA, NPR, इनके पास एक पोटेंशियल है कि वो किसी भी आदमी को गैर नागरिक घोषित कर सकते हैं, ये पोटेंशियल है उसमें, वो करेंगे नहीं करेंगे अलग बात है, लेकिन उसमें एक पोटेंशियलिटी है कि वो किसी भी आदमी की नागरिकता छीन सकते हैं। ये तीनों कानून अगर मिल जाएंगे, दिस इज़ अ कॉकटेल ऑफ 3 रूल्स मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए, राज्य के पास ये अधिकार नहीं है, लेकिन राज्य की सरकार ने भी कॉन्स्टिट्यूशन पे ओथ ली है, उनकी भी राइट बनता है, उनकी भी ड्यूटी बनती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करें। मैं ये मान रहा हूँ कि ये सब्जिडाइज मैटर है, सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कोई कानून लंबित हो, इसके लिए हमें उसके खिलाफ विरोध करने से कोई नहीं रोकता, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हक है। सुप्रीम कोर्ट जिस दिन भी CAA को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगा, सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। रैली निकाली, रैली का नाम था संविधान बचाओ देश बचाओ, जो कि मोदी और अमित शाह ने CAA, NRC और MPR जो कि काला कानून है, इस काला कानून को हटाने के विरोध में हम सभी ने 36 कौम ने मिलकर इस रैली को निकाला, और आराम से शांतिपूर्वक इस रैली को निकाला गया। और इसी के साथ में मैं पूरे हिंदुस्तान को मैसेज देना चाहता हूँ, मैं मुसलमान भी हूँ, मैं हिंदू भी हूँ, मैं सिख भी हूँ, मैं ईसाई भी हूँ, अगर हमारे बाबा साहब अम्बेडकर साहब के संविधान के साथ अगर कोई भी छेड़छाड़ करेगा तो उसका हम खुला विरोध करते हैं। जय हिंद, जय भारत। पार्षद रईस अहमद, पार्षद रईस अहमद, खानपुरा वार्ड।